हेलो एंड वेलकम टू माय सक्सेस कोचिंग राजा जी पुरम लखनऊ। आपको इस हमारे यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। आज के इस यूट्यूब में हम लेके आए हैं आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर लेके आए हैं, नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे जो सेकेंडरी के बच्चे हैं और जो जूनियर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जो हम आज बताना चाहते हैं कि हाउ टू बी कंट्रोलिंग द सिस्टम बाय द सेंस ऑर्गन्स एंड द इंडोक्राइन सिस्टम, तो दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आज हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर ये चैनल हमारा पसंद आए, आपको वीडियो हमारा पसंद आए, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बच्चों दो मेन कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, तो जिनको हम कनेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी से कनेक्ट होता है, जो कि इसको हम हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो इन्हीं को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो किस तरीके से कंट्रोल होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे शरीर में करीब 14,000 करोड़ जो है वो नर्व सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो इन्हीं सेल्स के द्वारा हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे संदेश वाहक का काम करते हैं, जितने भी नर्व्स होते हैं ये एक संदेश वाहक का काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। तो ब्रेन से जो कंट्रोलिंग होती है ये हमारा नर्व्स का काम है, जो कि हमें ये मैसेंजर्स का काम करते हैं। तो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम मस्कुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल होता है रैपिड एक्शन से, जैसे कि मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, परसीव स्टिमुली है, और यही हमारा रेट्स ऑफ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स को भी कराता है। अब हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी पहचान होती है कि हम हैं क्या, और इसी से ही हमारा जो है पूरा सेक्रेशन कंट्रोल होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम ये एक तरीके का एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी को हम कंट्रोल करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जैसे मैंने बताया 14,000 करोड़ नर्व्स होते हैं, हम जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये सिस्टम बहुत सारी स्टिमुलीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, वो जो नेचर है हमारे स्टिमुली का वो उनको ऑर्डर देती है और उनको कंट्रोल करती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। ऑर्गन्स जैसे मान लीजिए हाथ है और हमारा पैर है, हमारी उंगलियाँ हैं, हमारी आँखें हैं, और भी जो हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र है पूरे शरीर का, उसको वो कंट्रोल करती है। तो न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, जैसा अभी मैंने बताया, तो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये हमारा तीन भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो पहला भाग है साइटॉन, दूसरा है डेंड्रॉन और तीसरा है एक्सॉन। तो साइटॉन बच्चों ये एक सेल बॉडी होती है जिसको हम पेरिकैरियन भी कहते हैं, और इसका जो स्वेलन पोर्शन होता है वो न्यूरॉन होता है, और जो कि कवर्ड बाय द सेलेक्टिवली परमेबल, इसका एक तरीके की एक झिल्ली होती है, उससे ये बना होता है परमेबल, इसको कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी होती है इसी को हम न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। तो न्यूरोप्लाज्म जो है वो बहुत ही सेंट्रली लोकेट होता है, न्यूक्लियस होता है, इसी में निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रियाज होते हैं, गॉल्गी बॉडीज होती हैं, और सेंट्रोसोम्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे एक्सॉन को भी ट्रांसमिट करते हैं, एक्सॉन को ट्रांसमिट करते हैं। फिर इसी तरीके से डेंड्रॉन जो है ये एक, इसको अगर हम कहना चाहें कि द फिगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी इज द डेंड्रॉन, ये हमारा एक तरीके का सेल बॉडी है डेंड्रॉन। ठीक है, द फाइन फाइबर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द डेंड्रॉन आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्स
फ्रॉम द आउटसाइड टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो इस तरीके से डेंड्रॉन जो है वो एक आउटसाइड बॉडी होता है ना, बॉडी के आउटसाइड सेल्स को काम करता है, के रूप में काम करता है। फिर इसी तरीके से एक्सॉन, ये क्या होता है, द लॉन्ग सिंगल अनब्रांच्ड प्रोसेस विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी इज द एक्सॉन। एक्सॉन बच्चों एक तरीके का लंबा होता है और सिंगल अनब्रांच्ड प्रोसेस होता है, इसी को हम, ये जो अराइज होता है बॉडी में सेल के द्वारा, इसी को हम एक्सॉन कहते हैं। इसके जो टर्मिनल एंड टर्मिनल होता है ऑफ द एक्सॉन हैव द ब्रांचेस कॉल्ड द एक्सॉन। इसके जो ब्रांचेस होते हैं उसको एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। फिर इसी में ये एक्सॉन जो है वो कवर्ड होता है, इसको हम कहते हैं न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा से ये कवर्ड होता है। और इसका स्ट्रक्चर अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाएंगे और इसको हम शो करेंगे। तो इसी तरीके से एक्सॉन का जो इनर पार्ट होता है न्यूरोलेमा, अनदर मेम्ब्रेन, इसके एक अंदर एक अंदर झिल्ली होती है, इसको माइलिन शीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ भी कहते हैं। द एक्सॉन रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट्स इट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसी तरीके से सेल टू सेल ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी हमारा जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सेल टू सेल ट्रांसफ़र होती जाती है। तो माइलिन शीथ, इसको हम मेडुलरी शीथ भी कहते हैं, और इसकी स्पीड्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, ठीक है। इसी तरीके से सिनेप्स, साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स इज द फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ द प्रसीडिंग न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द सक्सीडिंग न्यूरॉन्स। व्हेन द नर्व इम्पल्स रीचेस द सिनेप्टिक कनोप्स ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल्स दे रिलीज न्यूट्रो ट्रांसमीटर इन टू द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो ये दो न्यूरॉन के बीच में काम करता है, और इस तरीके से जो उनकी इंटिटीज़ होती हैं, नर्व इम्पल्स होते हैं, वो जो नेक्स्ट न्यूरॉन को होता है वो ट्रांसमिट करता है एक दूसरे को, और ये कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र करता है एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन में। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो इसका भी हम आपको फिगर में हम आपको दिखाएंगे। तो इसी तरीके से जो नर्व होता है वो एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स फॉर्म द नर्व फाइबर्स, द बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड अ नर्व। तो इस तरीके से सेल से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यू से ही हमारा नर्व बनता है। तो ये नर्व जो बनता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और इसी तरीके से वो मैसेंजर का काम करता है, जो कि वन टू अनदर में वो स्प्रेड अप या ट्रांसमिटेड होता रहता है। तो टाइप्स ऑफ द नर्व की अगर हम बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से हम बात करेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, दूसरा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और तीसरा है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। तो हमने बच्चों तीन प्रकार का लिखाया है, आप लोग लिख लिए इस चीज़ को। तो जो हमने पहला बताया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, ये दो प्रकार का होता है। पहला है माइलिनेटेड नर्व, जो कि हमारा दोज विद माइलिन शीथ के साथ ही होता है, और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड नर्व। तो जो नॉन माइलिनेटेड नर्व जो होता है ये विदाउट माइलिन शीथ होता है। दूसरा हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन है बच्चों, दैट इज़ द फर्स्ट, इसके भी तीन पार्ट्स हैं। पहला आप नोट कर लीजिए, पहला सेंसरी नर्व है, दूसरा मोटर नर्व है, और तीसरा मिक्स्ड नर्व है। तो जो हमारा जो सेंसरी नर्व है ये इम्पल्सेस को कैरी करता है बाय द नर्व्स। तो दीज नर्व्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम ऑप्टिक नर्व भी इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का, सेंसरी नर्व का। सेंसरी नर्व क्या करता है, ये कैरी करता है इम्पल्सेस को एक रिसेप्टर टू द दूसरे सेंट्रल नर्व को, ठीक है। तो दूसरा है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या चीज़ है, दीज नर्व कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द मसल्स और ग्लैंड। ये सेंट्रल नर्व से जो भी हमारा जो इम्पल्सेस होती हैं, जो भी कमांड्स होते हैं, उनको ये दूसरे ग्लैंड तक ये पहुंचाने का काम करता है। ये मसल्स होते हैं, जितने भी ये हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, टिश्यूज़ की बातें कर रहे हैं, ये सब नर्व्स हैं, मसल्स हैं, और इन्हीं को नर्व्स जो हमारी जो आई मसल्स होते हैं उनमें ये सप्लाई का काम करता है। तो इसको हम मोटर नर्व भी कहते हैं।
तीसरा हमारा जो इसी का अकॉर्डिंग टू फंक्शन का पार्ट है वो है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या करता है, दीज नर्व्स आर मेड अप ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। फॉर एग्जांपल स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व जो होती है हमारी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व दैट प्रोवाइड्स द ट्रांसमिशन टू द मोटर नर्व, एंड दीज नर्व्स आर मेड अप ऑफ द बोथ एंड सेंसरी एंड मोटर नर्व। यानी कि मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों को अगर हम मिला दें तो ये मिक्स्ड नर्व बन जाती है, तो इसी को हम स्पाइनल नर्व भी कहते हैं। यानी स्पाइनल नर्व जो होती है वो दोनों का काम करती है। कौन कौन से दोनों का काम, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों का काम करती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे दो अकॉर्डेंस पूरे हुए। तीसरा लास्ट अकॉर्डेंस है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। इसमें क्या होता है, इसमें क्रैनियल नर्व होता है। क्रैनियल नर्व्स का क्या काम है, द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व। जब फंक्शन हमारा पूरा हो जाता है तो फंक्शन हमारा क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स के द्वारा हमारा ट्रांसमिटेड होता है। तो क्रैनियल नर्व्स क्या होता है, क्रैनियल हमने बताया जैसा कि ये ब्रेन से अराइज होता है, यानी कि हमारा दिमाग से, इसी को हम क्रैनियल नर्व कहते हैं। इसमें 12 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व के आदमियों के अंदर, जैसे कि हम इसके कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ऑप्टिक नर्व भी इसी में आता है और ऑल्फैक्ट्री नर्व भी आता है, और इस तरीके से हमारे कई पार्ट्स हैं। तो ये 12 प्रकार के जो पेयर्स होते हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। दूसरा पार्ट है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा पूरा ब्रेन से लेके पूरा शरीर का जो पिछला इलाका है, पिछला सिरा है, उसमें पूरा कनेक्टेड होता है, और ये हमारा स्पाइनल नर्व होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस नर्व को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और इसमें टोटल 31 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर, ये आप लिख लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, 31 पेयर का ये स्पाइनल नर्व होता है। फिर इसके जो नर्वस रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें स्टिमुलस होता है, जैसे आपको कोई हाथ कोई टच कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टिमुलस का काम है। रिस्पॉन्स क्या होगा, हैंड इज इमिडिएटली रिमूव्ड, तो इसका जो स्टिमुलस है तो वो क्या है, हैंड टचेस हॉट ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो क्या आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, हैंड इज इमिडिएटली रिमूव्ड, आप उसका हाथ अपना तुरंत हटा लेंगे। जैसे आपके पास चाय का प्याला आया बहुत गरम गरम, तो आपने जैसे ही टच करते हैं तो आपका हाथ दूर हटा लेते हैं, बिना किसी बाहरी ऑर्डर के। आपके बॉडी में ही जो ऑर्डर होगा उसके द्वारा आप अपना हाथ हटाते हैं। दूसरा स्टिमुलस है इसका, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द आई। आपकी आँख के पास अगर हम कोई चमकती हुई चीज़ ले जाएं, या कोई हम एकदम से हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं कोई भी, तो आपकी आँख ब्लिंक करती है, क्या करती है, ब्लिंक, तो उसको हम कहेंगे स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स क्या होगा, आईलिड्स ब्लिंक करेगी। तीसरा है एक्सेसिव एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं स्टिमुलस में, और इसका जो होगा स्वीटिंग। फिर नेक्स्ट है फीलिंग कोल्ड। अगर आपको कोई कोल्ड चीज़ है तो आप क्या करेंगे, पुट ऑन ए वार्म क्लॉथ, आप उसको गर्म कपड़े से ढक देंगे। तो इस तरीके से जो भी एनी चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट्स रिजल्ट्स इन द चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, दैट इज़ ही वी एग्जिबिट इरिटेबिलिटी, द चेंजेस एक्चुअली एक्ट एज स्टिमुली। जो भी हमारी बॉडी में या बाहरी जो भी हमारे चेंजेस हम लाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे कि सर्दियों में हमें सर्दी ज़्यादा लगती है, तो उसके बचाव के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हमें हमारी जो स्किन है उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से हम जो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो तुरंत ड्यूली रैपिडली जो है वो उसको शो अप करता है। तो इस तरीके से द चेंजेस एक्चुअली एक्ट एज स्टिमुली। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, ETC। जैसे आपको चोट लगती है तो आप दर्द से कराहते हो, एकदम से हाथ हटा लेते हो, या आप जैसे साइकिल से कहीं जा रहे हैं,
अचानक कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप अपना ब्रेक तुरंत दबा देते हैं बिना किसी बाहरी या कोई अदर ऑर्डर के, तो आपको खुद ही अपना हाथ आपका जो है वो दब जाता है और ब्रेन बाद में काम करता है। तो ये नर्वस रिस्पॉन्स होता है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से लाइट, अगर आपकी आंखों में अचानक लाइट, तो आपकी आंखें जो है वो क्या करती हैं, ब्लिंक करने लगती हैं। तो इस तरीके से तो डील्स विद दिस इंफॉर्मेशन एंड सो ब्रिंग्स अबाउट द रैपिड रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ द दिस नर्वस रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से इसको भी अगर हम सच रिस्पॉन्स स्टिमुलस को हम अगर हम बांटना चाहें वो दो भागों में भाग सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकता है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स और दूसरा वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स में बच्चों क्या आता है, इसको भी जरा जरा ध्यान से समझ लें आप लोग। तो दीज आर द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री मतलब क्या हुआ, इन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, जिस पे हमें कोई कंट्रोल नहीं होता। सच रिफ्लेक्स एक्शंस मे बी अनलर्न्ड, जैसे स्नीजिंग, जैसे आपको छींक आ गई, तो जैसे छींक जो है वो अनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। छींक मतलब क्या हुआ, आपको छींक आ गई तो आप लोग क्या करते हैं, एकदम से आप जब छींक दोगे तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं, उसको आप रोक नहीं सकते। इसी तरीके से व्हेन समथिंग एंटर्स द नोज और लर्न, आपके नोज़ में ही अगर कोई चीज़ अगर हम छुआ देते हैं या कुछ अगर हम उसमें करते हैं तो कुछ, तो उसमें भी आपको छींक आ सकती है। स्टैंडिंग अप व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, आपके क्लास में जैसे कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आता है या टीचर आता है तो आप खड़े हो जाते हो, ये भी आपका इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, उसमें आपको कोई अदर इनवॉल्व। दूसरा फैक्टर आता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या चीज़ है, दीज आर द रिस्पॉन्सेज ओवर विच वी हैव कंट्रोल और विच रिक्वायर थ्रू रिक्वायर थाट। तो फॉर एग्जाम्पल द चीविंग द फूड, चीविंग द फूड का क्या है, ये भी एक आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। ये आपके विचारों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विचारों। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि खाना खूब चबा चबा के खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सब लोग बोलिए, बोल चबा चबा के खाना चाहिए। तो ये आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। दूसरा है व्हेन इट एंटर्स द माउथ, जब हम अपने माउथ के अंदर खाना ले जाएंगे तो उसको चबा चबा, ये आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स में आता है। इसी तरीके से कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स होती हैं वो हमारा वॉलेंट्री रिस्पॉन्स में आता है। तो इसी तरीके से जो नर्वस कंट्रोल्स ऑकर्स बाय द फॉलोइंग पाथवे, इसी तरीके से हमारा जो रिसेप्टर होता है और जो इफेक्टर होता है, तो जो रिसेप्टर होता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं और जो इफेक्टर होता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। रिसेप्टर को ही हम सेंस ऑर्गन का नाम देते हैं और इफेक्टर को ही हम मसल्स और ग्लैंड का नाम देते हैं। ये बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे, ये आप लोग नोट जरूर कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको इस वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे आपको हम शिक्षा दे सकें, अच्छे अच्छे थॉट्स दे सकें, अच्छे अच्छे हम अपने क्लासेस को कंडक्ट कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।